तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। और पहले ही बता दूँ, ये फैक्ट्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो अभी से लाइक कर दो यार। नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों जो माइनक्राफ्ट में क्रॉसबो होती है उसको देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग ये मालूम है कि जो माइनक्राफ्ट में क्रॉसबो होती है वो भी एक निश्चित समय के बाद टूट जाती है। मतलब उसकी भी एक हेल्थ होती है, अगर वो कोई मॉब चलाए या आप चलाओ उसको टूट ही जाना है, उसकी भी एक निश्चित हेल्थ होती है दोस्तों। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। और वीडियो को लाइक करते चलना अगर अच्छा लगे तो। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आप लोग ये जानते हो कि जो माइनक्राफ्ट में विलेजर होते हैं, अगर हम लोग उनको रेड से बचा ले तो अपना जो दाम होता है मतलब एमरेल्ड कम कर देते हैं, वो हमें सस्ते में चीज़ देते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये मालूम है कि अगर हम किसी जॉम्बी विलेजर को विलेजर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमें और भी सस्ती चीज़ें देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, वो हमें और भी सस्ती चीज़ें देता है। कभी कभी तो एक एक एमरल्ड में भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट दे देता है भाई साहब। ये टूल्स इसमें थे और ये कभी भी 3 ML से नीचे देता नहीं है। देखो एक्स की 3 ही है, फिर 10 ML लेता है, लेकिन इसमें दिखा रहा है 1 ML। तो है ना कमाल का फैक्ट ये भी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो बहुत लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम लोग माइनक्राफ्ट में जंप करके किसी जानवर को मारते हैं तो उसका ज़्यादा डैमेज होता है, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर हम लोग जंप करके किसी भी एनिमल या मॉब को मारते हैं माइनक्राफ्ट में ऐसे, तो वो ज़्यादा डैमेज लेता है, जैसे कि कभी कभी 2 गुना, कभी कभी 3 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों है ना कमाल की बात, ये केवल प्रो लोगों को पता है लेकिन सबको पता होना चाहिए माइनक्राफ्ट के बारे में। कुछ भी फैक्ट नंबर बस खत्म, और आगे कुछ नहीं। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या करना, आपको शायद ही पता हो भी होगा, मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ क्या करना लेकिन आप लोग कभी करते नहीं हो। कर दिया करो भाई नहीं सब्सक्राइब और क्या।